नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो YouTube की कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। अगर वो उसको समझते हैं, उसको जानते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है और फिर आप YouTube पर आप जो है बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बेहतर सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं और बेहतर व्यूज पा सकते हैं, साथ में काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube के नियम को नहीं जानते हैं, YouTube के रूल को नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आप एक बड़े क्रिएटर बन जाएं और उसके बावजूद भी आपका चैनल डिलीट हो जाए और फिर आप अगर टोटली डिपेंडेंट है YouTube पर तो फिर आपको फिर से नया सपना बनाना पड़ेगा और फिर से YouTube पर काम करना पड़ेगा। वैसे तो मैं अगर बात करूं तो मेरे साथ खुद पर्सनली हो चुका है कि मेरे 5-5, 6-6 लाख के सब्सक्राइबर्स होने के बाद खुद का मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हमने संभाला अपने आप को और फिर जितना बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, जितना उस नियम को समझ पा रहे हैं, जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, उस तरीके से अभी भी जो है काफी ज्यादा बेहतर चल रहा है और आप लोगों के लिए मैं वैसे ही टिप्स देते आ रहा हूं क्योंकि उस चीज से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन यूट्यूब जो है अप टू डेट रहता है और कहीं ना कहीं नियम, कहीं ना कहीं चीजें आ जाती है जिसको लेकर आप भी उस नियम को जानते हैं और उस नियम को जानना भी चाहिए। अगर आपने एक भी नियम को मिस्टेक कर दिया तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है कि आपके चैनल के साथ भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बात करें तो आजकल एक ऐसा ही खबर चल रहा है और मैंने भी देखा, काफी शॉकिंग लगा। हालांकि मैं उनका वीडियो देखता नजर आता था, बहुत पहले से देखता था, लेकिन जिस तरीके से मैंने वो खबर सुनी उसके बाद से मुझे लगा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जानकारी शेयर करनी चाहिए। बात करें तो दोस्तों एक यूट्यूब पे चैनल है जिस चैनल का नाम है NSB Pictures के नाम से। जी हाँ, NSB Pictures की अगर मैं बात करूँ तो 1.17 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 12 लाख के करीब में उस चैनल पर सब्सक्राइबर है। सोचिए 1.17 मिलियन यानी नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली टू 1.2 मिलियन जो इस पे सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अगर मैं व्यूअर्स की बात करता हूँ तो लगभग अराउंडली 6 करोड़, मोर देन 6 करोड़ से ज्यादा जो है उस पे व्यूज हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा चैनल और उनका जो संघर्ष था वो लगभग 5 साल का था, जिनका नाम है नीरज जो थे उस पर काम कर रहे थे, लगभग 1.17 मिलियन सब्सक्राइबर और 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज है। लेकिन उनके पास जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक आ चुका है, एडोब प्रीमियर का कुछ स्ट्राइक आ गया है जो कि उन्होंने कुछ लिंक मेंशन किया था उससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। तो एडोब प्रीमियर की आप उसका क्रैक वर्जन वगैरह यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि वो आपको जो है डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे। तो उस प्रकार की चीजों पर वो काम कर रहे थे जिसके चलते उनको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है, और एक दो मिलता तो ठीक है लेकिन कई सारा मिल गया है जिसके बाद से उन्होंने कई सारी चीजें की, काउंटर स्ट्राइक की बात कर रहे थे और उनसे वार्तालाप करने की बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी बढ़िया कम्युनिकेशन नहीं बना और फाइनली आज उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका चैनल जो है फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कोई भी उस चीज को, इश्यूज को रिसॉल्व करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। तो हमको ये आपको बताना था इन चैनल के माध्यम से कि 1.17 मिलियन सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा 5 साल का मेहनत होता है, जब जाकर उतना जो है आदमी एक्सेस करता है उतना सक्सेस पाता है, लेकिन अचानक से जब आपके साथ ऐसी घटनाएं हो जाए तो फिर आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, इस ये सारी चीजें होती है कि आप संभल कर काम करें, सोच बूझ कर, समझ कर, ऐसा नहीं कि व्यूज के चक्कर में आप कुछ भी डाल दिए। आप सोच समझ कर काम करें, आप एनालाइज कीजिए खुद से, उस नियम को पढ़िए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि भैया ये डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा डालेंगे तो आप ऐसा नहीं कि व्यूज के चक्कर में जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको डालते चले तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी समस्या हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आप ऐसा काम मत करें, नियम को पढ़िए, नियम को समझिए। यूट्यूबर्स कितने सारे नियम बताते हैं उनको फॉलो कीजिए और हर चीजों को, कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको एक बार एनालाइज कर लें, माइंड में सेटअप कर लें कि भैया ये हम कर रहे हैं तो हमके हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये चीज अगर मैं करूंगा तो बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, यूट्यूब के नियम से अपडेटेड रहिए और इसी प्रकार के नियम हम सभी को देते रहते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो मुझे लगा कि इनके चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी भी देनी चाहिए और इससे कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म भी किया जाए कि भैया आप लोग भी संभलिए, सुधरिए और बेहतर तरीके से काम कीजिए, व्यूज के चक्कर में आप मत कीजिए। और आप बेहतर भी काम कर रहे हैं तो उसमें से समझिए कि हम क्या करेंगे ताकि आगे जाकर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो मुझे लगा कि आप सभी को अपडेट देनी चाहिए। तो जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, मैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।